जय श्री राम, जय श्री सीताराम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री राम। जैसा कि हम सबको विदित है कि कोरोना महामारी पूरे विश्व में व्याप्त हो चुकी है और यह महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिससे कई सारी जाने जा चुकी हैं और विश्व में एक दहशत का परिदृश्य देखने को मिल रहा है। जब होई धर्म की हानि, जब कुछ ऐसा होता है और जब भक्तों पर आसुरी शक्तियों का प्रभाव पड़ना शुरू होता है, तब भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री शंकर, भगवान श्री ब्रह्मा जी इस सृष्टि की चिंता करते हैं और वो चाहते हैं कि मानवता बची रहे, मानवता का कल्याण हो, मानवता की रक्षा हो। भगवान किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं, किसी न किसी माध्यम से भगवान इस मानवता को, इस सृष्टि को बचाने का यत्न करते हैं और बचा भी लेते हैं। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि कल दिनांक 22 तारीख को सभी लोग अपने घर में रहें, अपने घर से बाहर न निकलें, ताकि कोरोना वायरस जो है उसे कहीं स्थान न मिले और वो अपने प्राण त्याग दे और जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है वो पुनः सामान्य हो जाए। कोरोना महामारी से भारत भूमि बच जाए, हमारे लोग बच जाए, विश्व समुदाय बच जाए। कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने लिया है। निश्चित ही यह कारगर सिद्ध होगा और हम भारत के नागरिक, इस देश के नागरिक, विश्व के नागरिक, विश्व समुदाय के सदस्य नागरिक, हमारा भी यह दायित्व तो बनता है कि हम इस बंद को, जिसमें हम अपने घरों में रहें, बहुत भजन करें, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री सुंदरकांड का पाठ करें, श्री रामचरितमानस का पाठ करें, अन्य ग्रंथों का पाठ करें, पुस्तकें पढ़ें, म्यूजिक आदि सुने, संगीत सुने और घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें, जिससे कि यह वायरस आगे ना पहुंच पाए और अपने प्राण को त्याग दे। हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी से यह वायरस सब तरफ फैल रहा है। श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का पाठ मैं करूंगा, जो कि मानवता के कल्याण के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए यह पाठ मैं समर्पित करता हूं। यह पाठ मैं समर्पित करता हूं उन सेवा करने वाले, उन चिकित्सकों को, उन समाज सेवी संगठनों को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को, अन्य एजेंसियों को, शासकीय एजेंसियों को, सरकारी एजेंसियों को, जो दिन रात इस वायरस से देश को मुक्त कराने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। यह पाठ उन्हें प्रेरणा देगा, यह पाठ उन्हें शक्ति प्रदान करेगा, जिससे वो मानवता का कल्याण कर सक पाएँ, अपनी भारत भूमि को बचा सक पाएँ। तो आइए आप भी अपनी तरफ से यथा योग्य जो समर्पण कर पाते हैं वह समर्पित करें, क्योंकि हमें हमारे देश, समाज, संस्कृति का संवर्धन, संरक्षण करना है। आइए इस आपदा से बचने के लिए, कोरोना महामारी से बचने के लिए हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं और जो कोरोना से लड़ने के लिए जो हमारे चिकित्सक, जो हमारे चिकित्साकर्मी, शासकीय लोग, सफाई कर्मी जो इसमें लगे हुए हैं, वैज्ञानिक रिसर्चर्स इसमें लगे हुए हैं, उनको शक्ति प्रदान करें भगवान श्री हनुमान जी। उनको समर्पित करते हैं ये सुंदरकांड का पाठ, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए मैं आप सबके समक्ष रखता हूँ।
श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड शांतम शाश्वतम प्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र शिव मनीषम वेदांत वेदम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम भगवरम भूपाल चूड़ामणि। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले समस्त पापों को हरने वाले करुणा की खान रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं में शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ वंदना करता हूँ। नान्यास प्रिहा रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगम निर्भरा मे कामादिदोषरहितम गुरुमानसम च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम दर्जवन कृषाणम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले, दैत्य रूपी वन के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों के अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखे तुम भाई सहित दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब लगी आवाऊ सी तई देखी हो ही काज मोहि हर्ष विषेखी। यहाँ कहीं ना आई तब नहीं कहूँ माता चले हर्ष रघुपति धन रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को लेकर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। इंदु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ेता ऊपर बार बार रघुबीर संभारी तर के पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था, हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जय गिरी चरण दे हनुमंता चले उसका पाता तुरंता जिमी अमोघ रघुपति करबाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी के पैर रख कर चढ़े, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक होइष्ठ महारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझ कर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अतः अपने ऊपर इन्हें विश्राम दें। हनुमान ते प्रसाकर पुनिकीन प्रणाम राम काज कीन्हें बिनु मोहि कहा विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके बोले, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं है, मुझे विश्राम नहीं करना है। जात भुवन सुर देव ने देखा जाने कहो बोलो दिवसे का सुरसा नाम महीन के माटा पसंद नहीं आई कहीं कही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहिदीन आहारा सुरत वचन कह पवन कुमारा राम काज करी फिर मैं आबो सीता के सुधि प्रभु सुनाओ। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है, यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब तब बदन पैठियों आई सत्य कहूँ मोहि जान दे माई कौन है जतन दे ही नहीं जाना ग्रसी न मोहि कहो हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुँह में घुस जाऊँगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भर तई पदन पसारा
कपितन कीन दुगुन विस्तारा सो रह जो जन मुख तई ठहु तुरंत पौन सुत 32 भयहु उसने योजन भर चार कोस में मुँह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसापदन बढ़ावा तास दून कपि रूप दिखावा शत योजन तही आनन कीना यति लघु रूप पूर्ण सुलीना। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा मांगा बिना ताहि सुनावा मोहि सुन जही लागी पठावा बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। और वे उसमें मुख में घुस कर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवा कर विदा मांगने लगे। उन्होंने कहा उसने कहा मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री राम जी रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर आगे बढ़े। निशिचर एक सिंधु महु रहई करी माया नभु के खगगहई जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोकी तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी भी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गहन छा सक सोन उड़ाई ए बिल सुधा गगन चर खाई सोई छल हनुमान कह कीन्हा तास पटक भी दुर्त ही कीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। वही छल हनुमान जी के साथ भी उसने किया। हनुमान जी ने तुरंत उसके कपट को पहचान लिया। ताहि मारी मारु सुत वीरा बारी पार गए उम्र धीरा जहाँ जाए देखी बन शोभा गुंजन चंचरी मधुरोभा वन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प के लोभ भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरफल फल तुहाए मृगविंद देख मन भाए शैल विशाल देख एक आगे तापर धाये चढ़े भय तागे अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूलों से सुशोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देख कर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमान कछु कपि के अधिकारी प्रभु प्रताप जो काल ही खाई गिर पर चढ़ी लंका तही देखी कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं हे उमा इसमें वानर हनुमान जी की बहुत बड़ाई नहीं है यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी बहुत ही बड़ा किला है कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चहु पासा कनक ओट कर ब्रह्म प्रकाशा वह अत्यंत ऊंचा है उसके चारों ओर समुद्र हैं सोने के परकोटे हैं और का परम प्रकाश यहाँ पे दिख रहा है प्रतीत हो रहा है। कनक घोटि विचित्र मन कृत सुंदरायत नागना चौहट हट तुबट बीथि चारुपुर बहु विधि बना गज बाज खच्चर निकर पद चर रत बरूथन को गने बहुरूप निशिचर जूथ अति बल से न बर नत नहीं बने वन भाग उपवन वाटिका सरकूप बापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोही कौमाल देह विशाल शैल समान अति बल गर जही नाना अकार नभि रही बहु विधि एक एक न तर जही कर जतन भट कोटिन बिकट तन नगर तहुँ दिशिरा चही कहु महिष मानुष धेनु कर यजकल निशाचर भही एहि लागि तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही रघुवीर तर तीरथ शरीर नित्यागि गति पै हैं सही। विभिन्न मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर हैं चौराहे बाजार सुंदर मार्ग और गलियां हैं सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजे हुए हैं हाथी घोड़े खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों में राक्षसों के दल हैं उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्ण करते नहीं बनती है। वन बाग उपवन बगीचे फुलवारी तालाब कुएं और
बावलियां सुशोभित हैं, मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत समान विशाल शरीर वाले बलवान मल्ल पहलवान गज रहे हैं, वह अनेकों अखाड़ों बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर के चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों मनुष्यों गायों गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति को पाएंगे। उधर अखबार देखी बहु कभी मन कीन विचार, अतिलघ रूप धरो ऋषि नगर करम पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात को इस समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी लंक ही चले ही सुमेरी नरहारी नाम लंकिनी एक निचिचरी सो कह चले सी मोहिनिंदारी जाने हूँ नहीं मरम सठ मोरा मोर आहार जहाँ लगी जोरा मुठिका एक महाकपिहानी रुधिर बमते धरनी धन मनी पुनि संभारी उठी सोलंका जोरी पानी करे विनय शशंका जब रावण ही ब्रह्म बर दीना चलत विरंचि कहा मोहि जीना विकल हो सीते कपि के मारे तब जाने सुने सुचर संहारे ताते मोर यति पुण्य बहुता देखे नयन राम कर दूता। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर श्री हनुमान जी मन ही मन विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामकृष्ण जी रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए लंका की ओर चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। वहाँ कभी हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो श्री रामचंद्र जी के दूत अर्थात आप को अपने नेत्रों से देख पा रही हूँ। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुलायक अंग तूलन ताय सकल मिली जो सुख लो सत्संग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है जो मुझे आज मिला है। प्रवीसी नगर की जय सबका जा हृदय राखी कोसल पुर राजा करल सुधारी पु करी मिताई को पद सिंधु अनल शीतलाई गरुड़ सुमेरु रेणु समताही राम कृपा करे चित बाजाई अति लघ रूप धरऊ हनुमाना पैठा नगर सुमेरे भगवाना मंदिर मंदिर तति कर सोधा देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा गया बुदशानन मंदिर माही अति विचित्र कही ज
जात सुनाई स्वयं किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दीखी वैदेही भवन एक पुने दीख सुहावा हरि मंदिर तहां भिन्न बनावा। रामायुध अंकृत की शोभा वर्णिन जाय नव तुलसिका वृंद तहां देखी हरस कपि राई। अयोध्यापुरी के राजा श्री हनुमान जी को हृदय में, श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए, उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुड़ जी सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी एक बार कृपा करते देख लिए। एक तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा सा रूप धारण कर भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया, लंका नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ जहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए। वहाँ अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हनुमान जी ने रावण के शयन को देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसने भगवान का एक अलग मंदिर सा बना हुआ था। रामायुध वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं किया सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूह को देखकर शोभा वर्णन नहीं किया जा सकता था, देखकर कपिराज हनुमान हर्षित हुए। लंका निशी जर निकर निवासा यहाँ कहाँ सजन करवासा मन महु तरक करे कपिलागा तेही समय विभीषण जागा राम राम तेही सुमिरन कीन्हा हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा एही सन हटि करी हम पहचानी साधु ते होइ न कारज हानि विप्ररूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठि तहां आए करी प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहु निज कथा बुझाई कि तुम हरिदासन महकोई मोरे हृदय प्रीति अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमंत कही सबा राम कथा निज नाम सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरि गुण ग्राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थल है, यहाँ सज्जन साधु स्वरूप का निवास कहाँ। हनुमान जी मन ही मन तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जागे, उन्होंने यानी विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया, हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इतने हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है बल्कि लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उनके वचन सुनाए, पुकारा सुनाए, सुनते ही विभीषण उठकर आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव अपनी कथा समझा कर कहिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं, क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है, अतः क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देने कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों ही मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनाहु पवन सुत रहनी हमारी जिमी दशननी माहु जीभ विचारी तात कबहु मोहि जानी अनाथा करी हहि कृपा भानु कुलनाथा तामस तन कछु साधन नाही
प्रीति न पद सरोज मन माहे अब मोहि भा भरोसे हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी का सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र मेरी दहनी सुनो, मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? मेरा तामसी राक्षसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है, परंतु हे हनुमान अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री रामचंद्र जी की मुझ पर विशेष कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुवीर अनुग्रह की ना तो तुम मोहि दर्शन दीना, सुनहु विभीषण प्रभु के प्रीति करहिं सदा सेवक पर प्रीति। तब श्री रघुवीर की कृपा है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिया है। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम करते हैं। कहा हूं कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? हनुमान जी बता रहे हैं, जैसे विभीषण ने कहा कि मैं तो राक्षस कुल का हूँ, राक्षस कुल में जन्म लिया हूँ, भगवान राम मुझे कैसे दर्शन देंगे, मुझ पर कैसे कृपा करेंगे, मैं तो तुच्छ कुल का हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि भैया मैं कौन से बड़े कुल का हूँ। प्रसंग सुनिए कि हनुमान जी ने कहा मैं कौन से बड़े कुल का हूँ, मैं तो चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल हम वानरों का जो नाम ले लेता है उसे दिन भर भोजन न मिलता है, मैं उस कुल से हूँ। तो मुझे प्रभु ने स्वीकार किया है, मुझे प्रभु ने सेवा का अवसर दिया है, तो आपको भी देंगे। असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर, कीनी कृपा सुमिरि गुण भरे विलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझे कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके श्री हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु जल भर आया। जानत हूँ मस्ता विसारी प्रेत गायन होई दुखारी, ए विधि कहत राम गुण ग्रामा पावा अनिर्वाच विश्वामा। निधव कथा ही जन कही देवी जनक सुधात रही, तब हनुमंत कहा सुन घाता देखी चहु जान की माता। जो भीषण सका सुनाई चले पूर्ण सुत विदा कराई, करी तो ही रूप के उपनीत हवा पर अशोक सीता राज हवा। देख मनो मौकी ने प्रणामा बैठे बीत जात निजामा, कृष्ण दीर जटाए बे निज पद हृदय रघुपति गुण ठेने। निज पद नयन दिए मना राम पद कौन रीन, परम दुखी भाव पवन सुत देख जान की दीन। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे पड़कर भटकते रहते हैं, वे दुखों को वो दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति को प्राप्त की है। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी की जिस प्रकार महालंका में रहती थी वह सब कथा कही। जब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ, विभीषण जी ने माता जानकी के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले, फिर वहीं पहले का मशक शरीर का मच्छर के समान स्वरूप धारण कर वहाँ अशोक वाटिका में पहुँचे, इस वन के जिस भाग में माता सीता माता जानकी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी उन्हें मन ही मन प्रणाम किया और बैठे बैठे ही रात्रि में चारों पहर बीत जाते हैं, शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, लट है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाते हुए चरणों को लगाते हुए नीचे की ओर देख रही थी और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी रूप देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए हैं। करु पल्लव महु रहा लुकाही, करही विचार करऊ का भाई, तही अवसर रहा बनु तहाँ आवा, संग नारी बहु किए
बनावा बहु भी दिखल सी तही समुझावा सामदान भय भेद दिखावा कह रावण सुन सुमु की सयानी मंदोदरी आदि सब रानी तब अनुचरी करहूं पन मोरा एक बार बिलोक मम ओरा तीन धरियोट कहती बैदेही वो मेरी अवधपति परम सनेही सुनु दस मुख कर दियो प्रकाशा कबहू कि नलिनी करही विकास असमन समुझ कहती जानकी खल सुध नही रघुबीर बान की नठ सुने हरि आने ही मोही अधम लाज लाज नहीं तो ही आप ही सुनी कर जोत समान राम ही भानु समान परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला तीखिसी यान। हनुमान जी वृक्षों के पत्तों में छिपे रहे थे और विचार कर रहे थे कि हे भाई क्या करूं इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी से बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज धज कर रावण आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार समझाया श्याम दान भय भेद दिखाया। रावण ने कहा हे सुखी हे सयानी सुनो मंदोदरी आज सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा यह मेरा प्रण है तुम एक बार मेरी ओर देखो तो। अपने परम स्नेही कौशलाधी श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते जानकी जी ने तिनके की आड़ पर जाकर के कहने लगी हे दशमुख सुन जुगनू के प्रकाश कभी कमली नहीं खिल नहीं सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट तुझे श्री रघुबीर जी के बाण की खबर नहीं है। रे पापी तू मुझे सोने में हर लाया है। अरे अधम निलज्ज तुझे लज्जा नहीं आती अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से से आकर बोला सीता ते मम कृत अपमाना कटिहू तब सिर कठिन कृपाना अनाहित सब दिमानु मम बानी सुमुखी होती नत जीवन हानि। सीता तूने मेरा अपमान किया है मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा नहीं तो अब भी जल्दी से मेरी बात मान ले हे सुमुखी नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर सो भुज कंठ की तब असि घोरा सुनु सट अस प्रवान पन मोरा चंद्रहास हरु मम परितापम रघुपति बीरायन ल संजातम शीतल निचित बहसी बरधारा कह सीता हरु मम दुख भारा सुनत बचन पुनि मारन धावा मय तनया कही नीकी बुझावा कह सी सकल निशिचरी ने बुलाई सीता ही बहु विधि त्रास हूँ जाई मास दिवस महु कहान माना तो मैं मार बिकाड़ी कृपाना बोन गजउ दस गंधर इहा पिशाचिन बृंद सीता ही त्रास देखा वही धरही रूप बहुमंद। सीता जी ने कहा हे दशग्रीव प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं हे चंद्रहास तलवार श्री रघुनाथ जी के विरह के अग्नि देख उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन तू हर ले। हे तलवार तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है तू मेरे दुखों के बोझ को हर ले। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा तब मैदानों की पुत्री मंदोदरी ने
नीति का कसे समझाया। तब रावण ने और सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ, यदि महीने भर में कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। यूं कहकर रावण चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को दिखलाने लगे। 10 दोहे सुंदरकांड के समाप्त हुए। अब तक समस्या यहाँ पे दिखाई जा रही है, हमारे वीर हनुमान जी आगे कैसे इस समस्या का समाधान करने वाले हैं। इस समय समूचा विश्व ही इस समस्या से संघर्ष कर रहा है। रावण रूपी कोरोना पूरे विश्व पे छाया हुआ है और हमारे डॉक्टर, हमारे समाज सेवी, हमारे एनजीओज, हमारी सरकार हनुमान जी के रूप में, हनुमान जी का रूप धारण कर उस कष्ट को दूर करने के लिए, जनता सीता रूपी जनता के कष्ट को दूर करने के लिए, कोरोना से संघर्ष करने के लिए नीतियां और युक्तियां ढूंढ रही है। संघर्ष जारी है, शीघ्र ही हम इस समस्या से पार पाएंगे। आगे के 10 दोहे का अध्ययन, आगे के 10 दोहे का चैंटिंग, आगे के 10 दोहे का अर्थ सहित मैं कुछ समय पश्चात आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप घर में रहें, सचेत रहें, बाहर न जाएं, मास्क पहने, हाथ साबुन से, हैंड वॉश से बार बार धोएं, स्वयं को सुरक्षित करें, एकांत में रहें, बाहर न घूमें, अपने अंदर घूमें, अपने अंदर शांत की खोज करें, अपने अंदर स्वयं की खोज करें, अपने अंदर प्रभु की खोज करें। यह आपको मौका मिला है स्वयं को जानने का, प्रभु को जानने का। आइए हम बाहर न जाएं, यह प्रण लें और कल का जो दिन होगा जिसे हम बंद के रूप में मनाएंगे और कोरोना वायरस से भारत को और विश्व को मुक्ति दिलाएंगे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।